उसमें हम क्या करें, 15-45 में प्रयागराज के लिए तो बिहेवियर है। ये लखनऊ बस अड्डा है आलमबाग का, यहाँ पे 3 घंटे से यात्री परेशान है, और ये जो है भाई साहब और वो मैडम वो कह रही है कि हम लोग बस की व्यवस्था नहीं कर पाए, ये सरकार के कर्मचारी अभी 15 बजे, ये देखिए कितने लोग खड़े हुए वहाँ पे, एक भी बस नहीं गई, एक भी बस अभी 15 बजे हम आपको भीड़ है गाड़ी, आप बैठिए, हम जो है 22 नंबर से अभी निकली है, 15 बजे मेरे पास लिखा पड़ी है गाड़ी, 15:45 में प्लेटफॉर्म नंबर 22 से गाड़ी निकली है, मेरे पास लिखा पड़ी है, आप नहीं बैठ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है, आप जाइए, समय बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल अभी हम चीज तो पैसा दे रही है, आप कुछ भी कर सकते भैया, आप कुछ भी कर सकते, सही कह रहे भैया, ठीक है भैया, कौन सी गाड़ी है, इतनी पब्लिक है, पिटवाइए, पब्लिक ऊपर खड़ी है 3 घंटे से परेशान, और आप यहाँ 3 घंटे से यहाँ पे गाड़ी निकली अभी प्रयाग के लिए निकली, आप देखो निकली है गाड़ी 3:45 में निकली है, इलाहाबाद की गाड़ी अभी खड़ी है, ड्राइवर कह रहा मैं बैठाऊंगा नहीं, क्यों ऐसा कमिटमेंट कर रहा, नहीं बैठाएगा, कौन कह रहा नहीं बैठाएंगे, अभी इलाहाबाद की बस आई है, जनरल जाइए वहाँ इंचार्ज से बात करिए, जी आइए, बिल्कुल बिल्कुल, इंचार्ज कौन है, आइए भी आइए, मैडम वो इलाहाबाद वाला ड्राइवर आया हुआ कह रहा मैं बैठाऊंगा नहीं, इसका कमिटमेंट क्यों ऐसा कर रहा है, वो यहाँ पे यात्री परेशान हो रहे हैं, तो आप तो मैम जवाब दे, आपकी बनती ना, आप जॉब करती है यहाँ पे, आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रही इस चीज की, आप अपनी ड्यूटी छुपा के भाग रही है, सैलरी इसी बात की मैडम दे रही है गवर्नमेंट आपको, आप लोग यहाँ से अपनी जिम्मेदारी से कुर्सी छोड़ के हट रही है, हम लोग परेशान है, आप बताइए ये चीज कहाँ तक जाएगी, मैडम इधर देखो इधर, मैम अपनी जिम्मेदारी से बच रही है भैया, ये इलाहाबाद की जो है बसों की इंतजाम नहीं कर पा रही है मैडम, और ये आलमबाग बस स्टॉप है, और मैडम अपनी जवाबदेही से बचते हुए कुर्सी छोड़ के हट रही है, पब्लिक परेशान है, आप सब देख सकते हैं कितने लोग खड़े हुए, क्यों भाई साहब आप लोग, सब इलाहाबाद वाले खड़े हैं, और ये मैडम अपनी जवाबदेही से बचरी करी, आगे जाइए, आगे कोई है नहीं, डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, कोई भी अपना जवाब नहीं देना चाहता, ये आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश का बस स्टॉप है, जहाँ योगी जी कहते हैं कि हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा के नाम पर कोई यहाँ पे चीजें उपलब्ध नहीं हो रही जनता के लिए, क्यों भाई साहब आप कुछ जानकारी दे सकते हैं, नहीं ये भी भाई साहब को मालूम नहीं कि यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं।